डिजिटल साक्षरता मिशन को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के माध्यम से किया जाना था, जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देने का आश्वासन शासन व CSC की ओर से दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में कुछ भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण परियोजना को मध्य प्रदेश शासन व CSC द्वारा गंभीरता से न लेने के कारण हम VLE सखी के मानदेय की राशि पिछले 29 माह से नहीं मिलने से हमारी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, जिससे कि खुद का और परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो गया है। संघर्ष समिति के स्टेट कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने कहा कि सभी VLE सखी का इंतजार अब जवाब दे गया है। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एक माह के अंदर राज्य सरकार इस संबंध में कुछ निर्णय नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे और बड़े स्तर पर सभी सामाजिक प्रगतिशील संगठनों व आम जनता को शामिल कराते हुए इस आंदोलन को राज्य स्तर पर व्यापक ढंग से आगे बढ़ाएंगे व राजधानी भोपाल में भी महा आंदोलन की तैयारी के लिए विवश होंगे। पुनासा से पदम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मैं MGS के वेली हूँ, ग्राम पंचायत नांदा से। आज हम सभी भाई मतलब जिला लेवल पे संघर्ष करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन एक दिल से दे रहे हैं और हमारे साथी सभी जो हमारे साथ आए हुए हैं, क्योंकि अभी तक किसी योजना में 29 माह तक किसी को वेतन प्राप्त नहीं हुआ है और हम भी शासन से ये चाहते हैं कि ये योजनाओं को सुचारू रूप से चालू करें और मानदेय का जो भी प्रावधान है वो दे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।